साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आपको याद होगा, बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। हमने भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। आज इसी योजना का विस्तार आप पीएलआई स्कीम में भी देख रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। इतना ही नहीं, जो कल तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। जरा सोचिए, 2014 में 0 मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। आप भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे, इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें, तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की संख्या की बात करें, तो 2014 में जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब करीब 85 करोड़ पहुंच रही है, 85 करोड़ पहुंच रही है।